हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा DIY ग्रीन टी टोनर। तो ये है मेरा टोनर जो कि मैंने बना लिया है। बनाने के बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, थोड़ा नॉर्मल ठंडा होने के बाद, और ठंडा होने के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। एंड अब ये अच्छे से बन के रेडी हो गया है। वाह, बहुत ही फ्रेश फील हो रहा है, बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू है। आपको पसंद आया तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घर पे बना के। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको अभी दिखाया वो ग्रीन टी टोनर है जो कि मैंने इस रोज टोनर की बॉटल में फिल किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। और अगर आपको इसका प्रोसेस जानना है कि कैसे बनाया है मैंने, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले तो मैंने ये ले लिया है ग्रीन टी का बैग। बॉइल्ड वाटर में इसको मैं डालूंगी, डिप करूंगी। तो अभी जो हमारा वाटर है वो बॉइल हो चुका है, निकाल लेते हैं उसको। ये हमारा बॉइल वाटर है, इसमें मैं ये जो ग्रीन टी बैग है ये डिप करूंगी, तो थोड़ा हमको ग्रीन टी का जो एसेंस है वो मिल जाएगा। पानी एकदम बॉयल हो चुका है। मेरे पास ये रोज़ वाटर का टोनर था जो कि अब ख़त्म हो चुका है और मुझे मंगवाना है वापस से, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं घर पर ही बना लूँ। वैसे अगर रोज़ होता तो मैं रोज़ वाटर का टोनर भी बना लेती, लेकिन अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है रोज़, इसलिए मैं ग्रीन टी का टोनर बना रही हूँ। और मैं उसको बना के और इसी में ही फिल कर दूँगी, क्योंकि इसमें अच्छे से ये बॉटल भी है, स्प्रे भी हो जाता है, आप देख सकते हैं। इसमें इसको अभी मैंने धोया था इसलिए थोड़ा सा स्प्रे आ रहा है इसमें पानी का। अच्छा, ऐसे करने से वो निकल भी जाएगा पूरा। नाउ इट इज़ टोटली एम्प्टी। सो इसके अंदर मैं ये फिल कर दूंगी, लेकिन पहले इसको पूरा एसेंस इसका टी बैग का आ जाए इसमें, फिर उसके बाद मैं अच्छे से इसमें ऑयल मिक्स कर दूंगी जो कि एसेंशियल ऑयल होता है, ग्रीन टी का मेरे पास है। तो इसीलिए मैंने सोचा जब ग्रीन टी का एसेंशियल ऑयल है तो क्यों ना उसको इसी में मिक्स करके एक टोनर बना लिया जाए। तो फ्री में ही मैं ये टोनर बना लूँगी और पैसे भी बच जाएंगे, अदरवाइज़ मार्केट से तो काफ़ी महंगा आता है। और सर्दियों में मैं ग्रीन टी बहुत ज़्यादा पीती हूँ, तो ग्रीन टी के बैग्स भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा रखे हुए हैं, तो मैंने सोचा अच्छा है वो ऐसे ही यूज़ हो जाएगा। अभी तो पीने का मन नहीं करता, काफ़ी गर्मी है तो गर्म ग्रीन टी पीने का भी मन नहीं करता, सर्दियों में मैं ज़्यादा पीती हूँ, तो ऐसे ही मेरा यूज़ हो जाएगा। एंड मेरे पास इसेंशियल ऑयल्स भी रखे हुए हैं, ये टू इसेंशियल ऑयल्स मेरे पास है। ये तो रोज़ का है, रोज़ इसेंशियल ऑयल है, लेकिन इसको मैं रोज़ वाटर अगर बनाती हूँ उसमें यूज़ करती, लेकिन रोज़ मेरे पास है नहीं। तो मेरे पास एक और इसेंशियल ऑयल है टी ट्री का, तो टी ट्री क्योंकि मैं ग्रीन टी का ही टोनर बना रही हूँ इसलिए उसमें मैं इसकी फ्यू ड्रॉप्स ऐड कर दूँगी। इसको ऐड करने से क्या होता है ना कि हाइड्रेट रहता है आपका फेस, एंड गर्मियों में तो काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, आपको बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी फील हो रही होती है, तो उस वक्त अगर आप यह स्प्रे करेंगे अपने फेस पर तो आपको काफ़ी फ्रेश फील होगा, रिलैक्स फील होगा। जैसे मैं जॉब पर जाती हूँ, जॉब से वापस आती हूँ, एंड देन अपने फेस पर अगर मैं स्प्रे करती हूँ तो मुझे काफ़ी रिलैक्स एंड फ्रेश फील होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना जब चीज़ें हमारे घर पर अवेलेबल है तो मैं घर की चीज़ों से ही बना लूँ अपना टोनर। ये पूरी तरीके से मिक्स हो चुका है पानी में, तो इसको निकाल लेते हैं आप। ये मेरा ग्रीन टी एसेंशियल ऑयल है, तो इसको मैं मिक्स कर दूंगी, कुछ फ्यू ड्रॉप्स इसमें डालूंगी मैं। तो ये ड्रॉप्स मैंने इसके अंदर में डाल दी हैं, एंड अब मैं इसको मिक्स कर लूंगी। गाइस, एसेंशियल ऑयल्स ना काफ़ी काम की चीज़ होती हैं, और मेरे पास थ्री एसेंशियल ऑयल है, एक लेवेंडर एसेंशियल ऑयल भी है। आप इसको अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं तो उसमें कुछ ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं, और इसका जो खुशबू होती है ना वो काफ़ी रिलैक्सिंग होती है। इसको स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जाता है, तो मैं भी इसको यूज़ करती हूँ मैं मेकअप प्रोडक्ट्स में, या जैसे कि मैंने अभी टोनर बनाया तो मेरे को काम आ गया एसेंशियल ऑयल। वैसे ही जब मैं नहाती हूँ तो जिस बकेट से मैं नहा रही होती हूँ उसमें मैं थोड़े से ड्रॉप्स डाल देती हूँ एसेंशियल ऑयल्स के, तो काफ़ी फ्रेश फील होता है इससे। तो अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल नहीं है आप भी ट्राई करिए एसेंशियल ऑयल लाके यूज़ करने का, काफ़ी मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आपको भी पसंद हो तो आप ला सकते हैं। अब ये मिक्स हो चुका है, इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी इस वाले बॉटल में। तो ग्रीन टी टोनर तो हो गया है, अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरी लिपस्टिक्स जो कि मैंने मंगाई है जस्ट हब से। वो तो मैं आपको दिखाती हूँ उनके शेक्स कैसे हैं, बहुत ही प्यारे शेक्स हैं उनके, जस्ट हब्स की वो लिपस्टिक है, तो लेट मी शो यू। तो ये है जस्ट हब्स की लिपस्टिक, इसकी इसमें 5 शेक्स हैं,
मिनी लिपस्टिक्स है ये, एंड इसमें हर्ब्स का यूज़ हुआ है इसको बनाने में. सो एक्साइटिंग राइट. सो इसका जो पैकेजिंग है वो भी बहुत क्यूट है. ये इस तरीके से ओपन होता है. वैसे तो ये बहुत ही छोटू सा है और इसको जब हम ओपन करते हैं तो इसमें 5 शेक्स निकलते हैं. मैंने इसको थोड़ा बहुत यूज़ भी कर लिया हुआ है. इसका रिव्यू मैं अभी आपको दे रही हूँ. सो इस तरीके की बॉटल्स में आती है. इस तरीके की पैकेजिंग है इसकी. काफ़ी क्यूट कलर्स है. इसमें 3 डिफरेंट शेड्स आते हैं. ये वाली जो मैंने मंगाई है वो पिंक एंड ब्राइट्स है. इसमें रेड एंड डीप्स भी आता है एंड इसमें न्यूड शेड्स भी आते हैं. तो मैंने जो शेड्स मंगाए हैं 5 वो है पिंक एंड ब्राइट्स, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा अच्छे लग रहे थे. आप देख सकते हैं इनकी पैकेजिंग कितनी क्यूट है. टोटल 5 लिपस्टिक है. सो मैं आपको दिखाती हूँ इन सब के शेड्स कैसे हैं. दिस वन इज़ पियोनी पिंक. ये कुछ ऐसी दिखती हैं. बहुत ही प्यारा कलर है इसका. नेक्स्ट इज एप्रिकोट कोरल. ये शेड कुछ ऐसा है. ये भी बहुत प्यारा शेड है. इसके सारे शेड्स ही बहुत बहुत प्यारे हैं, इसीलिए मुझे ये पसंद आया. ये है मलबरी माओ. ये भी आप देख सकते हैं कितना ब्राइट एंड कितना प्यारा कलर है. मुझे ऐसे ही कलर्स पसंद हैं एंड इसमें सारे कलर्स ही ऐसे हैं. बहुत प्यारे शेड्स हैं इसके. आप चाहे तो डिफरेंट शेक्स ट्राई कर सकते हैं. रेड एंड डीप्स में भी आते हैं इसके शेक्स एंड न्यूड शेक्स भी आते हैं इसके. मेरे पास जो है वो ब्राइट एंड पिंक्स हैं, पिंक एंड ब्राइट्स हैं. दिस वन इज़ रेस्पबेरी पिंक. दिस इज फर्शा प्योर. वाओ, जस्ट वाओ. जो इसके शेड्स हैं कितने प्यारे और कितने सुंदर शेड्स हैं इसके. मुझे तो बहुत ही प्यारे लगे. ये हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया है एंड मुझे गिफ्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया. तो गाइज ये 5 शेड्स थे ब्राइट एंड पिंक्स के. आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताना. इससे ना काफ़ी अच्छा गिफ्ट आइडिया भी मिल जाता है. काफ़ी देर तक ये स्टे भी करता है. और इसकी सबसे अच्छी बात ये है लिपस्टिक्स कि अगर आप लिप बाम नहीं लगाते हैं तब भी ये वर्क करेगा आपके लिप्स के ऊपर, क्योंकि हाइड्रेटिंग भी है. तो आपको लिप बाम लगाने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आपके एक्सट्रीम ड्राई लिप्स नहीं है. अगर एक्सट्रीम ड्राई लिप्स है तो आप लगा सकते हैं लिप बाम. लेकिन अगर आपके लिप्स नॉर्मल है एंड आपको ज़रूरत नहीं है लगाने के लिप बाम, तो आप जस्ट इन लिपस्टिक को लगाइए एंड आपके लिप्स हाइड्रेटेड रहेंगे अपने आप. और ये इसका जो स्टे है आराम से 5-6 आवर्स तक ये स्टे करते हैं. मैंने इसको ट्राई करके देखा है. अभी तो मैंने डिफरेंट लिपस्टिक लगा रखे है इसलिए मैंने नहीं यूज़ किया इसको, लेकिन मैं इनको काफ़ी यूज़ करती हूँ. मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आई तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना रिव्यू आपके साथ भी शेयर करूँ. वैसे तो इसकी क्वान्टिटी काफ़ी कम है, लेकिन आई थिंक 750 के अराउंड इसका अमाउंट है अगर आप अमेजोन से मंगाते हैं या अमेजोन पर अवेलेबल है. तो काफ़ी ही सुंदर शेक्स है इसके. ट्राई करके ज़रूर देखिएगा. मुझे तो बहुत ही प्यारे लगे और आपको भी गिफ्ट आइडिया मिल गया होगा. अगर आपको गिफ्ट देना है, आप कंफ्यूज है कि अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड को क्या गिफ्ट दे, तो ये ज़रूर दीजिएगा. वो काफ़ी खुश हो जाएगी. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो. तब तक के लिए बाय. एंजॉय एवरीवन. बाय बाय.